हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुत्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि थालपोश कैसे बनाया जाता है, तरीके से लपेटेंगे। और ये धागा ऊपर की तरफ ले लिया और ये छोटा वाला धागा हमने नीचे की तरफ ले लिया। अब देखिए, इस वाले धागे को ऐसे लेंगे, ऊपर वाले धागे को ऐसे फंसाएंगे, ऐसे ले लेंगे और ऐसे धागा लपेटेंगे, से निकाल देंगे। ये हमारा लॉक हो गया, इसे यहाँ पकड़ेंगे और फिंगर निकाल देंगे। अब ये हमारा लॉक हो गया। अब 1, 2, 3, ये लॉक हो गई 3 गाइस। वो वाली गांठ भी हम गिनते हैं, इसलिए मैंने 3, 2 चेन लेनी है और एक जो हमने लॉक करी थी वो वाली भी काउंट कर लेंगे। ऐसे टर्न लिया, इधर की ये धागा जो होता है इधर की तरफ नहीं लेते, तो ऐसे धागा लिया और इस होल में से इस तरीके से हम डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे एक बार और बता देती हूँ, ऐसे पकड़ा, होल में से डाला, धागा लपेटा, 3 हो गए, 3 में से 2 करेंगे और 2 में से 1। इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे हम गाइस। तो इस होल में हमें 12 डबल क्रोशिया बनानी है, 12। तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 4 हो गई। अब देखो 12 डबल क्रोशिया करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसे हम थोड़ा सा खींच देंगे, इस वाले छोटे वाले धागे को पकड़ेंगे तो ये खींच जाता है। 10 हो गई हमारी, और 2 और काउंट करनी है, 11, और ये हो गई हमारी 12। अब देखिएगा, ये 12 हो गई। अब ये वाला जो धागा है इसको हम यहाँ हाथ रख लेंगे होल पर और इसे धीरे धीरे खींच देंगे इस तरीके से। देखिए, ये हमने खींच दिया। अब देखिए, जो हमने 3 की चेन ली थी उसी में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई, तो ये हमारा सर्कल बन गया। अब 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 3 चेन हो गई गाइस। अब देखिए, जहाँ हमने चेन ली थी उसी में हम एक बार डालेंगे इस तरीके से। अब देखिए, जो ये नेक्स्ट वाली है, ये वाली डबल क्रोशिया दिख रही है आपको, इसमें भी हम एक बार डालेंगे और 3 के 2, 2 का 1। फिर इसमें एक बार और डालेंगे, 3 के 2, 2 का 1। फिर से नेक्स्ट वाली में भी एक बार डाल दिया, फिर सेम इसी में हम दोबारा डालेंगे। देखिए गाइस, हमने हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए आना। तो चलो मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब ये हमारा इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब ये 3 की चेन थी, हम उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। जो 3 की चेन होती है उसमें स्लिप स्टिच इसमें करना चाहो तो इसमें, नहीं तो ये डबल क्रोशिया बनी हुई है, हम इसी में ही, देखिए इसी में ही हम स्लिप स्टिच कर दें। तो देखिएगा इस तरीके का आया है ये। अब 3 चेन लूँगी, 1, 2, 3, 3 चेन ले ली। अब देखिए, हमने ये जो 3 की चेन के ऊपर हो गया, अब ये डबल क्रोशिया है हमारी ये वाली, इसी में हम डबल क्रोशिया बना देंगे चेन में डाल के। तो देखो, चेन के ऊपर चेन आ गई, उससे नेक्स्ट जो होल था उसमें हमने डबल क्रोशिया बना दी और उससे नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया, और सेम इसी में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से।
देखिए अब नेक्स्ट वाले में एक बार बनाएंगे। तो देखिए गैस, हमने पहले यहाँ हमारे 12 थे, 12 के बाद में हमने हर चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया करा तो हमारे 24 हो गए। अब उसके बाद में हम ये तीसरा राउंड है, तीसरे राउंड पर गैस एक चेन में हमने दो बार लिया और एक चेन में एक बार, इस तरीके से हम राउंड कंप्लीट करेंगे, एक चेन में दो बार और एक चेन में एक बार। तो देखिए गैस ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, अब हम डबल क्रोशिया में सिल्प स्टिच कर देंगे। हमारा ये सिल्प स्टिच हो गया। अब तीन की चेन लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन ले ली, तीन की चेन हो गई। अब देखिए धागा लपेटेंगे और जो ये हमारी डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है हम इसमें एक बार और सेम इसी में फिर एक बार और करेंगे, दो बार। हमने ये तीसरी वाली राउंड पे दो एक करा था। अब देखिए एक चेन में हमने दो ले लिए, इससे नेक्स्ट वाली पे एक लेंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाली में एक लेंगे। तो थर्ड नंबर सबसे फर्स्ट वाली पे तो हमने एक एक राउंड करा था, उसके बाद दो दो किए, उसके बाद फिर तीसरे नंबर की पे हमने दो एक चेन में दो लिए फिर एक चेन में एक। अब ये चौथे नंबर की ये वाली चेन है जो इसमें हमने एक चेन में दो लिए हैं और दो चेन में एक एक, दो एक एक, दो एक एक, इस तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगी। अब देखिए गाइस ये मैं सिल्प स्टिच कर दूंगी, तो तीसरी राउंड ऊपर वाले में चेन में सिल्प स्टिच हो गई। तो देखिए अब तीन की चेन बनाऊंगी, एक दो तीन, तीन चेन हो गई। अब देखिए इसको हम छोड़ के ये जो दो की चेन होती है ना इसमें हम डबल क्रोशिया कर देंगे। एक बार और करेंगे, तो देखिए गाइस दो एक एक कराता है हमने इसमें, अब इसमें करेंगे दो, एक चेन में दो हो गए, अब एक बना दिया। अब नेक्स्ट चेन में एक, देखो दो एक चेन में हमने दो बना दिए, फिर नेक्स्ट चेन में एक, फिर नेक्स्ट चेन में एक, फिर नेक्स्ट चेन में एक, तीन चेन में हमने एक एक बार बनाया और एक चेन में दो बार, फिर उसके बाद में हम दो बार बनाएंगे सेम चेन में। अब तीन बार एक एक बनाएंगे, इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए गाइस ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, एक दो तीन चार पांचवा राउंड है ये, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको सिल्प स्टिच कर देंगे, तो ये तीसरी वाली चेन में ये हमने सिल्प स्टिच कर दी। अब हम छठवां राउंड स्टार्ट करेंगे, धागा फंस गया है इसमें, देखिए इस वाले धागे हमें इसमें सिल्प स्टिच कर देंगे। अब देखिए ये हमारा बेस बन गया, देखिए एक दो तीन, तीन चेन ले ली। अब इससे जो ये वाला दिख रहा है ना, दो की चेन जो हमने बना रखी है, जो हमने ये डबल क्रोशिया दो बना रखी है, दो के ऊपर ही दो लेते हुए जाएंगे। एक और सेम इसी में दोबारा दो। अब देखिए नेक्स्ट वाले में एक बार लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार लेंगे, क्योंकि इस वाले राउंड में हमने तीन बार एक एक लिए थे ना, एक में दो बार लिए थे और तीन बार एक एक लिए थे। अब इसमें हम एक में दो लेंगे और चार बार एक एक लेंगे, चार चेन में एक एक लेंगे, फिर उसके बाद दो लेंगे, इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे गाइस। तो देखिए पहले चेन में मैंने एक चेन में दो के ऊपर दो ले लिए, अब एक के ऊपर एक ले लिया, फिर एक के ऊपर एक ले लिया, एक के ऊपर एक। नीचे वाले में तो हमने तीन बार एक एक लिए थे, ऊपर वाली लाइन में हमने चार बार एक एक लिए हैं और डबल के ऊपर डबल लिया। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करते हैं। ये छठवां राउंड कंप्लीट हुआ, अब स्लिप स्टिच कर रहे हैं हम। अब सातवां स्टार्ट करेंगे, तो तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन हो गई।
अब दो के ऊपर दो बना देंगे गैस। देख के दो के ऊपर दो बन गए। अब देखिए इसमें हमने छठवें राउंड में हमने पांच सॉरी चार छोड़ी थी डबल क्रोशिया, दो एक चेन में दो हो गई। अब एक चेन में एक 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 कर, देखो एक चेन में हमने दो बना दी। अब नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, तीन बार हो गई। अब नेक्स्ट चेन में एक बार, चार हो गई, और नेक्स्ट चेन में एक बार, पांच हो गई। पांच चेन हमें एक एक चेन, पांच डबल कुर्सियां हमें एक एक चेन में बनानी है और दो डबल कुर्सियां एक चेन में बनानी। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए गाइस ये हमारा बन के कंप्लीट हो गया है और ये मैंने काफ़ी बड़ा बनाया है। इसमें राउंड है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह राउंड का बनाया है गाइस ये मैंने। ये हमारी एक थाली पर आ सकता है, देखिए थाली से भी काफ़ी बड़ा है, देखिए आराम से आ रहा है ये। तो देखिए मैं आपको समझा देती हूँ कि ये मैंने किस तरीके से बनाया है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर सर्किल स्टार्टिंग में मैजिक सर्किल बनाया था, उसमें 12 डबल कुर्सियाँ बनाई थी। 12 डबल कुर्सियाँ बनाने के बाद में स्लिप स्टिच कर दी। उसके बाद में हर चेन में दूसरे राउंड में मैंने हर चेन में एक चेन में दो दो डबल कुर्सियाँ करी हैं। दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ और तीसरे राउंड में मैंने एक में दो करी है, एक चेन में दो डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर दो एक चेन में दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से तीसरा राउंड कंप्लीट करा है। उसके बाद फिर चौथा राउंड आया, चौथा राउंड में एक चेन में दो डबल क्रोशिया और फिर एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से दो एक एक इस तरीके से राउंड करा है चौथा। फिर पाँचवें में मैंने एक चेन में दो डबल क्रोशिया, उसके बाद तीन बार एक एक करा है, दो और तीन एक एक, एक चेन में एक, एक चेन में एक, एक चेन में एक, इस तरीके से हर राउंड में गाइस मैंने दो के ऊपर दो बनाया है। और तीसरा एक एक डबल क्रोशिया, एक एक डबल क्रोशिया पूरे राउंड में बढ़ाती गई हूँ और ज़्यादा नहीं बढ़ाया। पहले स्टार्टिंग में हमने दो दो करे, उसके बाद में दो एक हो गया, फिर तीन एक तीन तीन दो हो गया, फिर चार दो, फिर पाँच दो, फिर छः दो, फिर सात दो, फिर आठ दो, फिर नौ दो, दस दो, ग्यारह दो, बारह दो, तेरह दो, चौदह दो। लास्ट में हमने चौदह चेन में एक एक डबल क्रोशिया करा है और एक चेन में दो डबल क्रोशिया करा है। इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट हुआ है। अब देखिए गाइस ये मैंने डिज़ाइन जो बनाई है वो आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाई है। मैं आपको यहाँ से चेन ये होल के पास से यहाँ से बताती हूँ। तो देखिए ये मैंने नॉट बना के तैयार कर ली है। अब देखिए ये नॉट बना के तैयार कर ली है, इसमें मैं हुक डालूँगी, ऐसे हाथ रख लूँगी। और ऐसे बाहर निकाल लूँगी। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे, ये जो डबल कुर्सियाँ हमारी एक डबल क्रोशिया के अंदर डालो ऐसे, और इसे इस तरीके क्रोशिया के बीच में डालो, फिर धागा लपेटो और फिर इसमें ऐसे निकाल दो। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के साइड में डालते हैं इस तरीके से, फिर नेक्स्ट के आगे डालेंगे, फिर इस तरीके से निकाल देंगे, फिर नेक्स्ट के आगे डालेंगे और ऐसे, और हम ऐसे निकाल देते हैं। और देखिए ये वाली हमारी डबल क्रोशिया इसके बीच में डालेंगे ऐसे, और इस धागे को इसमें से निकाल देंगे, फिर हम हमारी नेक्स्ट डबल क्रोशिया इसके डालेंगे और फिर बाहर निकाल देंगे। हर डबल क्रोशिया के बीच में ही डालना है गाइस। और फिर हम ये वाली डबल क्रोशिया तो इसके आगे डालेंगे इस तरीके से,
निकाल देंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, फिर इस तरीके से निकाल देंगे। ऐसे ही हम राउंड कंप्लीट करते हुए आएंगे। देखिए यूँ डाला और फिर इस तरीके से निकाल देंगे, फिर नेक्स्ट में डाला, फिर इस तरीके से निकाल देंगे, फिर नेक्स्ट में डाला, फिर हम इस तरीके से निकाल देंगे, फिर नेक्स्ट में डाला। हर दो कुर्सिया के बीच में होकर डालना है, फिर अब देखिए अब हम एंड कैसे करते हैं। तो ये हमने लंबा खींच लिया इस तरीके से, अब पीछे की साइड से हम हुक को डालेंगे इस तरीके से, और इस वाले हुक को इसमें फंसा लेंगे और इसमें फंसा के बाहर की तरफ ले जाएंगे। धागे को खींचेंगे, थोड़ा सा टाइट करेंगे इसमें फंसा के। तो देखिए गैस ये हमने निकाला और इधर, और इसमें एक कुर्सिया ले लेंगे इस तरीके से और इसे कट कर देंगे। देखिए हमारा इस तरीके से बन के आ गया है। डिज़ाइन बनाऊंगी गैस, नॉट बना रही हूँ सबसे पहले। अब देखिए यहाँ हम डालेंगे और देखिए ऐसे धागा लेंगे दूसरा और इसे लॉक कर देंगे। ये हमने लॉक कर दिया। अब देखिए यहीं पर एक बार और डालेंगे, ये लॉक हो गया। अब इसी होल में एक बार और डालते हैं, डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, इसी होल में फिर दोबारा करेंगे दो बार, एक बार और करेंगे तीन बार, तीन बार हो गया, धागा निकल गया था, चार, पांच, पांच बार डबल क्रोशिया कर दिया हमने, छः। देखिए ये छः बार हमने डबल क्रोशिया कर दिया गाइस। अब हम दो चैन स्किप करेंगे, दो डबल क्रोशिया, एक दो, दो डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद तीसरी डबल क्रोशिया में हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए एक दो तीन, तीन चैन स्किप करने के बाद में देखो एक दो तीन, तीसरी चेन में हम इस तरीके से डबल क्रोशिया कर देंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, बार हो गई। अब हम बनाएंगे पांच बार, पांच बार डबल क्रोशिया, छह बार, और ये हो गई हमारी सात बार। सात बार हमने डबल क्रोशिया करा है, ऐसे इसमें हमने सात बार डबल क्रोशिया करा था, ऐसे इसमें। अब हमने इसमें एक चैन, दो चैन स्किप करने के बाद तीसरी चैन में सिंगल डबल क्रोशिया करा था, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। एक दो, दो चैन स्किप करने के बाद में तीसरी चैन में हमने सिंगल डबल क्रोशिया इस तरीके से कर देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आ रहा है बन के। अब यहाँ पर हमने छोड़ा था एक दो तीन, तीसरी चेन में हमने करा था, तो देखिए एक दो तीन, तीसरी चेन में हम फिर दोबारा से डबल क्रोशिया सात बार करेंगे गाइस इस तरीके से। चार, पांच, छः, ये हो गए हमारे सात, सात हो गए। अब दो चैन स्किप करेंगे, तीसरी चैन में हम सिंगल डबल क्रोशिया इस तरीके से कर देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से लुक आएगा। तो चलिए अब मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के आया है। हमने यहाँ पर तीन राउंड बना दिए हैं, देखिए देख सकते हो आप।
अब देखो ये मैंने कंप्लीट कर लिया, स्लिप स्टिच नहीं करा था, तो आपको दिखाती हूँ स्लिप स्टिच कैसे करते हैं। तो देखिए हमने दूसरी वाली चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए हमारी, और एक चेन लेंगे ऐसे कट कर देंगे। तो देखिए गाइस ये हमारा टोटल इस तरीके से बन के आया है। कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है थाल पीस। बिल्कुल इजी और बिल्कुल सिंपल बनाया है, कोई भी ऐसी डिज़ाइन नहीं है कि आप ना बना सको, न्यू बिगनर के लिए भी बनाया है। और देखिए गाइस ये पूरी थाली पर भी आ सकता है, ये इतना मैंने काफ़ी बड़ा बनाया है। देखिए इस तरीके से इसमें से थाली नहीं दिख रही है, तो आप बनाना चाहो तो बना सकते हो गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब